इतने सुनसान रात का तकरीबन 1:30 बज गए हैं। हम आए थे हमारे और इधर रास्ता है, ये देखें बहुत ही अजीब अजीब वो है, ये देखें ये देखें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। आज हम पता नहीं किधर पहुँचे हैं, एक बहुत ही सुनसान जगह पे हम पहुँचे हैं जहाँ हर जगह पत्थर ही पत्थर है। आप देख सकते हैं, ये देखें हर जगह पे पत्थर ही पत्थर, ये हम सांप भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, उधर हमारा गांव है। मैं और मेरा छोटा भाई गुलफराज जो कि इधर है, आप देख सकते हैं इधर चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं पता नहीं ये कौन सा जगह है, किधर जाना है किधर रुकना है वो भी पता नहीं है। ये देखें इतने सुनसान रात का तकरीबन 1:30 बज गए हैं। हम आए थे हमारे उतरासों को पानी देने के लिए बाहर, बीच में से रास्ता हमसे हमारे से भटक गया। अभी ये आप देख सकते हैं इधर लगता है कोई बंदा आया था, इधर बहुत बड़े बड़े पत्थर भी हैं आप देख सकते हैं। अभी हम इधर से जाएंगे, अभी इधर देखें ये बहुत ही सुनसान जगह है। अभी ओ गिर ना जाए, अभी ये भाई भी आ रहा है, ये देखें अभी हम इधर कहीं पे भटकने वाला है। अभी ये बड़ी मुश्किल से रास्ता मिल गया है, आप देख सकते हैं ये रास्ता जो हम पहले भी आया था, अभी भी हम इस रास्ते से जा रहे हैं। ये बहुत ही सुनसान जगह है, कोई दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखें सारे पत्थर ही पत्थर है, इधर नाला है और इधर रास्ता है, ये देखें बहुत ही अजीब अजीब वो है, ये देखें ये देखें। आप इससे भी बड़े बड़े वो बिच्छू भी होते हैं, इधर सांप भी होते हैं और इधर कुछ भी हो सकते हैं। बाहर हमारा खुद को संभाल के इधर रखना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकते हैं। ये देखें अभी हम रास्ता भटक गए, इधर से जाना है। हाँ ये देखें अभी हम बहुत थक गया है, पीछे गुलफराज भाई भी है, थक गया है। ये देखें बहुत थक गए हैं यार, ज़िंदगी में ऐसा तो पहली बार हुआ है। ये देखें एक रास्ता इधर से जाता है, हम अभी इधर से जाएंगे तो शायद रोड में पहुंच जाएंगे। ये देखें इतना खराब रास्ता जो कि बहुत मुश्किल से है, मेरे लिए नहीं है किसी को। अभी वो देखें जो दो लाइट नज़र आ रही है उधर, शायद हमारे घर वाले उधर हैं, अभी हम उधर जाएंगे। इतना थक गया है क्या करें, बड़ी मुश्किल से मिला है घर वाले। रात के तकरीबन 4 बज गए हैं।